आईपीएल 2020 मैच नंबर 48 में मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किए। आरसीबी के खिलाड़ी पैडी कल पहली ओवर की पांचवी गेंद पर गुड लेंथ गेंद को कवर क्षेत्र से सॉलिड बाउंड्री लगाए। दूसरी ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप ने मिड विकेट के बीच से बल्ले को सीधा मारते हुए चौका लगाए। तीसरी ओवर की तीसरी गेंद पर पैडी कल फाइन लेग से स्कूप करते हुए बाउंड्री लगाए और अगले गेंद में भी पैडी कल बैक फुट को कवर क्षेत्र से पंच करते हुए तीसरा चौका लगाए। चौथी ओवर की पहली गेंद पर पैडी कल फुलर गेंद को मिड विकेट की दिशा में लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप मिड विकेट के ऊपर से एक्सीलेंट शॉट लगाते हुए बाउंड्री लगाए। पांचवी ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप सीधे गेंद को उछालते हुए पहला छक्का लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर फिलिप गुड लेंथ गेंद को पंच करने गए लेकिन इनसाइड एज होकर स्टंप के बाजू से फाइन लेग दिशा में बाउंड्री गया। छठी ओवर की पहली गेंद पर पैडी कल मिड विकेट की दिशा पर बाउंड्री लगाए और चौथे गेंद में सिंगल लेते हुए फिलिप और पैडी कल ने 50 रनों की साझेदारी की। छठी ओवर की आखिरी गेंद पर पैडी कल अतिरिक्त कवर क्षेत्र में वंडरफुल शॉट लगाते हुए चौका लगाए। आठवीं ओवर की दूसरी गेंद पर पैडी कल शानदार खेल दिखाते हुए बिंदु के माध्यम से हिट करके बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाए लेकिन अगले ही गेंद में फिलिप राहुल चाहर की गेंदबाजी में स्टंप आउट हो गए। दसवीं ओवर की दूसरी गेंद पर पैडी कल कवर के माध्यम से मौके पे चौका लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर पैडी कल फिर एक और बार कवर के माध्यम से बाउंड्री लगाए। ग्यारहवां ओवर की आखिरी गेंद पर पैडी कल ब्रिलियंट प्रदर्शन दिखाते हुए कवर के माध्यम से चौका लगाए और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। बारहवीं ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट रीजन में फुल शॉट मारते हुए टॉप एज होकर सौरभ तिवारी को कैच देकर आउट हो गए। यह जसप्रीत बुमराह का पहला विकेट और इसी के साथ आईपीएल करियर में उन्होंने 100 विकेट पूरा किया। चौदह ओवर की चौथी गेंद पर एवी डेविलियर्स फुलर गेंद को स्कूप करते हुए 360 डिग्री पर छक्का लगाए। और अगले गेंद में एवी डेविलियर्स स्क्वायर लेग के पीछे से खींचते हुए चौका लगाए। पंद्रह ओवर की दूसरी गेंद पर पैडी कल बल्ला को हवा में घुमाकर छक्का लगाए। और अगले गेंद में पैडी कल एक सीमा के लिए कवर और पॉइंट के बीच में पंच मारते हुए बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर पैडी कल लगातार गेंद को बिना मिस करे एक और चौका लगाए। सोलह ओवर की दूसरी गेंद पर एवी डेविलियर्स मिड विकेट के ऊपर से मारकर राहुल चाहर को कैच देकर आउट हो गए। पोलार्ड का यह पहला विकेट। सत्रह ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे एक भारी शॉट मारने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव को कैच देकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह का एक और विकेट। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर पैडिकल आउट हो गए और यह बैंगलोर के लिए बहुत ही निराशाजनक बात थी।
बुमराह एक बार फिर बैंगलोर के गले का कांटा बने। अठारह ओवर की पहली गेंद पर क्रिस मॉरिस कवर के माध्यम से स्मैश करते हुए बाउंड्री लगाए, लेकिन उसी ओवर की दूसरी गेंद पर क्रिस मॉरिस जेम्स पैटिंसन को कैच देकर आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट का यह पहला विकेट। अठारह ओवर की आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर फाइन लेग से मारते हुए चौका लगाए। आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर गुरकीरत सिंह मिड विकेट के क्षेत्र में चौका लगाए और अगले गेंद में भी गुरकीरत सिंह मिड ऑफ के ऊपर से एक चौका लगाए। आरसीबी के मिडिल ऑर्डर फेलियर के कारण उन्होंने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए और मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। मुंबई इंडियंस लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली ओवर की पांचवी गेंद पर ईशान किशन कवर क्षेत्र के माध्यम से टीम का एवं अपना पहला चौका लगाए। दूसरी ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन फुल ऑन मिडिल में स्क्वायर लेग के ऊपर से पहला छक्का लगाए। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पर फिर एक और बार ईशान किशन अच्छी शुरुआत के साथ एक और चौका लगाए। चौथी ओवर की आखिरी गेंद पर डिक कॉक गुड लेंथ गेंद को शॉट लगाते हुए छक्का मारे। लेकिन छठी ओवर के तीसरी गेंद पर डिकॉक एक शॉट मारने के चक्कर में गुरकीरत सिंह को कैच देकर आउट हो गए। मोहम्मद सिराज का यह पहला विकेट। छठी ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन मिड विकेट रीजन में चौका लगाए। मुंबई के लिए एक सभ्य पावर प्ले वे इसके बाद एक के लिए 45 है। एक और 120 की जरूरत है। आठवें ओवर की पांचवी गेंद पर ईशान किशन भी आउट हो गए। वे 19 गेंद पर 25 रन बनाकर क्रिस मॉरिस को कैच देकर आउट हुए और चाहल का ये पहला विकेट। दसवीं ओवर के तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव मिड विकेट के मिडिल में टॉस मारकर स्वीप करते हुए छक्का लगाए और अगले गेंद में भी सूर्य कुमार यादव ने स्क्वायर लेग से स्वीप करते हुए चौका लगाया। 11वां ओवर की चौथी गेंद पर सौरभ तिवारी एक शॉट मारने की कोशिश करे लेकिन पैडिकल ने शानदार कैच लेकर आउट कर दिया। मोहम्मद सिराज का यह दूसरा विकेट। 12वीं ओवर की दूसरी गेंद पर कृणाल पांड्या अतिरिक्त कवर क्षेत्र में ऑफ साइड से लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव कवर के बाहरी क्षेत्र में छक्का लगाए। 13वां ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने थर्ड मैन दिशा की ओर एक सुंदर चौका लगाया और अगले गेंद में सूर्य कुमार यादव गुड लेंथ गेंद को पंच मारते हुए एक और चौका लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने क्रंच शॉट लगाया। उन्होंने बैक फुट के माध्यम से आसानी से पंच करते हुए बाउंड्री लगाया। 14 ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शन दिखाते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका लगाए। 14 ओवर की पांचवी गेंद पर कृणाल पांड्या ने एक गलत शॉट मारने के चक्कर में क्रिस मॉरिस को कैच देकर आउट हुए और चाहल का यह दूसरा विकेट। 15 ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या अच्छे टाइमिंग के साथ तेज तर्रार छक्का लगाए। 16 ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव स्क्वायर लेग के माध्यम से फ्लिक करते हुए बाउंड्री लगाए और इसी के साथ यादव का अर्धशतक पूरा हुआ और अगले गेंद में भी सूर्य कुमार यादव ने कवर के माध्यम से एक और चौका लगाया। 16 ओवर की चौथी गेंद में भी लगातार सूर्य कुमार यादव बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए एक और चौका लगाए। 17 ओवर की आखिरी गेंद में भी सूर्य कुमार यादव ने मिड विकेट के फील्डर की दिशा में चौका लगाया। 18वां ओवर की चौथी गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और उन्होंने फाइन लेग क्षेत्र में फुल टॉस मारकर छक्का लगाया।
19 ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लास्ट मोमेंट में एक छक्का लगाया और अगले ही गेंद में मोहम्मद सिराज को कैच देकर आउट हो गए और क्रिस मॉरिस का यह पहला विकेट। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर पोलार्ड मिड विकेट की दिशा में चौका लगाए। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव बहुत ही शानदार खेल दिखाते हुए चौका लगाए। उन्होंने खेल के मोड़ को बदल कर मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो गए।